बहुत बार, एक तो आपको सब लोग विपक्षी मठ में भेजने के लिए बड़े वो रहते हैं चिंतित, कोई भी पार्टी हो कहते हैं अब योगी जी मठ में चले जाएंगे, मठ में चले जाएंगे, एक तो ऐसा क्या है। दूसरा, इस तरह का आरोप लोग विपक्षियों की जो लाइन रहती है कि साहब योगी जी पर तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो वो लैपटॉप बांटेंगे क्या, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे। देखिए हमारी कार्य पद्धति को सब ने देखा है और मैं लखनऊ में बैठ करके मठ की तरह ही संचालित करता हूँ शासन की व्यवस्था को, जहाँ अनुशासन भी है, स्वच्छता भी है, पारदर्शिता भी है और लोक कल्याण के लिए एक साफ सुथरा चिंतन भी है। उस चिंतन को क्रियान्वयन करने के लिए एक प्रभावी नेतृत्व क्षमता भी है। ये मठ ही कर सकता है, ये कोई जुआ घर नहीं कर सकता, और इसलिए मठ की तरह ही मैं वहाँ भी संचालित करता हूँ शासन की व्यवस्था को भी, और उसी का परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि प्रदर्शन करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। प्रदेश में ई बजट हमने लागू किया, ई कैबिनेट हमारे समय में लागू हुआ, ई ऑफिस की व्यवस्था हमारे समय में लागू हुई, देश के अंदर सर्वाधिक डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने वाला राज्य यूपी है, और यूपी के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर के ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को भी जोड़ने वाली हमारी सरकार है। पूरे चुनाव में अगर हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुद्दे छीन लिए हों आपने। कोरोना जब फोटो इतने छपे, यूपी को इस तरह कहा गया, हम सब ने देखा, दुनिया भर के अखबारों में उन्होंने छापा। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक ऐसा कारण था जिसको हर समय ये कहा जाता था कि आप आ गए सत्ता में, तब भी नहीं हुआ। लेकिन इस चुनाव में उन मुद्दों की कोई चर्चा विपक्ष की तरफ से नहीं हुई, आप पे कोई अटैक इस तरह से नहीं किया गया, क्या हुआ? विपक्ष ने अपने समय में कुछ किया नहीं, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे। उनके पास जिन्ना का महिमामंडन, पाकिस्तान का गुणगान, आतंकवादियों, पेशेवर माफियाओं और अपराधियों के प्रति संवेदना के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बाहर कहाँ विपक्ष का दायरा है, इससे बाहर कहीं थे ही नहीं। और जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, कोरोना प्रबंधन देश का दुनिया में सबसे अच्छा और उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सबसे अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका है, तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था विपक्ष के पास, और जनता बीजेपी के साथ समर्थन में खड़ी थी। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा, शायद मुद्दों की ये कमी आपको लगता है कि भगवा रंग को जंग से जोड़ने तक आ गई कपड़े के? देखिए संगत का प्रभाव होता है, ये संगत का असर होता है, जैसी संगत होती है वैसे संस्कार भी हो जाते हैं। तो जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हों, अब लोगों से भगवा के सम्मान की उम्मीद करते हैं? लेकिन जो लोग जिन्ना का महिमा मंडन करते हों, उनसे भगवा के सम्मान की उम्मीद करते हैं? जो लोग राम कृष्ण और भगवान शिव के अस्तित्व को नकारते रहे हों, उनसे भगवा के सम्मान की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तकनीक का बेहतर उपयोग क्या होता है, किसी को जानना है तो यूपी देखें, और विपक्ष को देखना है तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति को देखें। एक और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन 5 वर्षों में यूपी में हुआ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान इतना निवेश नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो 7 चरणों का प्रचार है, आपका व्यक्तिगत असेसमेंट क्या है? क्या ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया है या धर्म जाति के खांचे में, जैसे अब तक यूपी की पॉलिटिक्स होती आई? भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव में थी। हमने प्रभावी ढंग से अपने मुद्दों को रखा और जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद मिला है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। 2017 में नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर थे यूपी की पॉलिटिक्स में, 2022 में भी क्या है? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में सारी कार्रवाई को आगे बढ़ाई गई।
बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी न्यूज़ नेशन के साथ ये खास बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो तमाम सवाल जो हर किसी के जहन में है उन सवालों का जवाब दे रहे थे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।